दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और ऐसे हजारों छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, IIT JEE की फ्री कोचिंग CBSE कराने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। इसे हिंदुस्तान न्यूज़ ने प्रकाशित किया है। बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास कर बेटियां भी अब IIT तक आसानी से पहुंच पाएगी। CBSE द्वारा उन्हें IIT तक पहुंचने की तैयारी मुफ्त करवाई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उड़ान प्रोजेक्ट में अब बिहार बोर्ड की बेटियां भी आवेदन कर पाएगी। जो चयनित होगी उन्हें CBSE के उड़ान प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियरिंग की तैयारी मुफ्त में करवाई जाएगी। मैट्रिक 2020 उत्तीर्ण वैसी छात्राएँ उड़ान प्रोजेक्ट में आवेदन कर सकती है जिन्हें मैट्रिक में 70% अंक मिले हैं। इसके अलावा विज्ञान और गणित विषय में 80% अंक मिले हैं। चूँकि इस बार मैट्रिक का रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ है, 165,299 छात्राओं को प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ है। इनमें 90,000 से अधिक छात्राएं 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त की है। इन छात्राओं को उड़ान प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। ज्ञात हो कि CBSE द्वारा बेटियों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए उड़ान प्रोजेक्ट हर साल शुरू किया जाता है। 2 साल के इस कोर्स में 11वीं और 12वीं के साथ इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है। जिनका चयन होता है उन्हें पूरी तरह निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। CBSE द्वारा उड़ान प्रोजेक्ट के लिए आवेदन लिए जाते हैं। चयन के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होती है। देश भर में 1,000 छात्राओं का चयन किया जाता है। चयन के बाद बोर्ड द्वारा छात्राओं को निःशुल्क JEE Main JEE Advanced की तैयारी करवाई जाएगी। 2 साल के इस कोर्स में छात्राओं को विजुअल क्लासेज, वीडियो आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या क्या अवसर है इस साल उत्तीर्ण वैसी छात्राएं कर सकती है आवेदन जिन्हें 70% अंक मिले हैं। अब बिहार बोर्ड की बेटियों भी आवेदन कर पाएगी जिन ऑनलाइन आवेदन परीक्षा की जाएगी। 1,000 छात्र छात्राओं का चयन उड़ान प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। इसमें केवल छात्राओं को ही मौका दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद आवेदन प्रक्रिया। CBSE की माने तो 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद उड़ान प्रोजेक्ट के लिए आवेदन लिए जाएंगे। हर साल मई से जून तक उड़ान के लिए आवेदन लिए जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार अगस्त में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। JEE Advanced में आरक्षण। JEE Main में चयनित छात्राओं को JEE Advanced की परीक्षा में आरक्षण भी दिया जाता है। CBSE की माने तो OBC छात्राओं को 27% आरक्षण, SC कोटि को 15%, ST कोटि को 7.5% और दिव्यांग छात्राओं को 3% आरक्षण मिलेगा। राजीव रंजन ने कहा, उड़ान प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें चयनित होने वाली बेटियों को CBSE मुफ्त में JEE Main और JEE Advanced की तैयारी करवाता है। यह बेटियों के लिए सुनहरा अवसर है। बिहार बोर्ड की छात्राएं भी अब इसमें आवेदन कर पाएंगी। CBSE टेली काउंसलिंग शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए फिर टेली काउंसलिंग शुरू की है। यह काउंसलिंग 15 जुलाई तक चलेगी। सोमवार से रविवार तक सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काउंसलिंग का फायदा छात्र उठा सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान बोर्ड परीक्षार्थियों को COVID-19 की जानकारी दी जाएगी। परीक्षा के दौरान उन्हें क्या सावधानी रखनी है, बोर्ड ने क्या नियम बनाए हैं। बोर्ड की माने तो छात्र और अभिभावक बोर्ड द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर 1800118004 पर कॉल करके काउंसलर से मदद ले सकते हैं। देश भर से 73 काउंसलर को लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो कि छात्राओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।